हेलो गाइस, वेलकम टू अवर फराजैनमेंट यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं। अपना वैक्सीनेशन कराने के लिए कुछ बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा। हम जब भी जाइएगा 18 प्लस से 44 साल के बीच में हमारा स्लॉट मिला है और हम लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन कराने। अपना वैक्सीनेशन कराने जाने से पहले ज़रूर याद रखिएगा, सैनिटाइज़र आपके पास होना चाहिए, डबल मास्क होना चाहिए आपके पास, और आधार कार्ड की फ़ोटो या आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ज़रूरी है। और गाइस, कोविशील्ड या कोवैक्सीन में जो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है, उसको कोई कंफ्यूजन मत करिए। कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड जो भी हो, वो लगवाइए ज़रूर, क्योंकि यही एक बचाव है आपके लाइफ का। और कोरोना जिससे ना हो आपके, ज़रूर लगवाइए और सबको भी प्रेरित करिए। ये वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करिए। पूरा आपको प्रोसेस आज दिखाएंगे कैसे वैक्सीन हमें लग रही है, और आगे बने रहिएगा हमारे साथ इसी वीडियो में। गाइस, ये देखिए मेरी जो यहाँ पे प्राइमरी रिपोर्ट अभी जस्ट कोरोना की हुई है, कोविड 19 की, वो नेगेटिव आई है। थैंक गॉड बच गए। अब ये भैया बैठे हैं, उन्होंने मुझे जानकारी दी है पूरी। अब हमारा हम लोग वेट कर रहे हैं वैक्सीनेशन का। फाइनली हम अब वैक्सीनेशन के लिए आ गए हैं, और यहाँ पर जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। इसमें हमारा आधार कार्ड वगैरह का वेरिफिकेशन हुआ है, और देन हमें नेक्स्ट अटेंडेंट के पास जाने के लिए बोला गया है, जहाँ पे अब आप देख रहे हैं ये। और ये जो बातचीत आप हमारी देख रहे हैं, ये है प्री वैक्सीनेशन से पहले की बातचीत, जिसमें अटेंडेंट हमसे पूछ रही हैं कि आप खाना खा के आए हैं कि नहीं आए हैं, या आपको किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है,
या जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको, एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारी बातें उन्होंने पूछी और हमारी बातचीत हम लोगों की चल ही रही है अभी। ये आपको एक तरह से मेंटली प्रिपेयर भी करते हैं वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारा डर बना हुआ है वैक्सीनेशन को लेकर। मैं भी टाइम टाइम पर वीडियोस डाला करता हूँ जिससे आप लोगों का मोटिवेशन हो। और अब अटेंडेंट बहुत ही वहाँ की हमें अच्छी लगी, जिस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे से पूछा कि आपने ब्रेकफास्ट वगैरह किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको, या किसी तरह के सिम्टम्स वगैरह। तो एक बहुत हेल्दी टॉक हम लोगों के बीच हुई और जिससे कि एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। वैक्सीनेशन का जो थोड़ा डर है सबके दिलों में वो भी दूर होता है, और बहुत अच्छे से ट्रीट किया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। अब फाइनली वैक्सीनेशन डन एंड गाइस, इस टाइम हम लोग कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में हैं और अभी भी मेरे टीका लगाया आपने देखा, जैसे कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी घबराएं ना वैक्सीन लगवाने से, बिल्कुल इजीली वैक्सीन लगाएं और आराम से जो है घर पे रहें, सेफ रहें, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीनेशन मैंने कराया, एकदम फिट हूँ, एकदम वेल स्वस्थ हूँ। यहाँ का स्टाफ मुझे बहुत सही लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी 18 प्लस अगर हो और वैक्सीनेशन कराना चाह रहे हो, वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। सो गाइस, ब्लॉग को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में अपने। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा जिससे और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू गाइज़।